इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार यानी दिवाली आने वाली है और इसकी शुरुआत दशहरे यानी विजयदशमी से होती है। मैं अपने और अपनी पूरी जेड फ्रेंड टीम की तरफ से आपको विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ। विजयदशमी का त्यौहार अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए मनाया जाता है। विजयदशमी के त्यौहार से फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें। यही सीख को लेकर मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि विजयदशमी मनाई जाती है क्योंकि इस दिन पर भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो जाहिर सी बात है कि रावण में कई बुराइयां थी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि रावण एक बहुत ही होशियार और वेल लर्न्ड इंसान था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रावण की इन अच्छाइयों और बुराइयों से हम इन्वेस्टिंग के लिए क्या सीख सकते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलिए। अब आप अपने म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड के ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि दशहरा बुराई की हार और सच्चाई की जीत पर आधारित है, यानी कि द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड। तो सिमिलरली हमें अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी करना चाहिए। हम जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें कई तरह के एसेट क्लासेस में और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। इसमें से कई इन्वेस्टमेंट्स अच्छी निकलती हैं और कई हम रियलाइज़ करते हैं कि इतने अच्छे नहीं रहे। तो ये अच्छा टाइम है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का, और जो इन्वेस्टमेंट्स बुरे हैं सिर्फ होप में उन्हें पकड़ के मत बैठे रहिए। और अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट सीरियसली स्टार्ट नहीं किए हैं तो उससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो अभी लेट द गुड टेक ओवर और अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करने में या फिर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने में मदद ढूंढ रहे हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए ऑन 7217746224 एंड आवर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स विल श्योरली असिस्ट यू। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। रावण के पास बहुत शक्तियां थी पर उसके बाद भी वो रोज पूजा करते थे इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए। सिमिलरली हो सकता है कि हम में से कई लोगों की ऑलरेडी अच्छे पोर्टफोलियोज बने हों और हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हों, पर मेहनत करके जब भी हमें अपने एक्टिव जॉब या बिजनेस से ज़्यादा इनकम मिलनी शुरू हो तो हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट्स भी उसी तरह इंक्रीज करते रहने चाहिए। इस तरह जो हमारी शक्ति है यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो और जल्दी जल्दी शक्तिशाली होगा। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है म्यूचुअल फंड्स में SIPs करने का, और अब तो आप हमारे जेड फंड्स ऐप पर डेली SIP भी कर सकते हैं। यानी रोज के रोज एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली शक्ति की तरफ और भी तेजी से जा सकते हैं। इसके बाद का पॉइंट आता है कि रावण लॉर्ड शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इनफैक्ट उनको उनकी काफ़ी शक्तियाँ लॉर्ड शिवा से ही दी गई थी। ठीक इसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आपको एक कोच ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग कहेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं होती, फीस लग जाता है, ज़्यादा कमीशन लग जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज है और आपके पास टाइम है फिर तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद करके मैनेज भी कर सकते हैं। बट बहुत से लोगों को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज अभी कम है क्योंकि वो किसी और फील्ड में माहिर हैं। तो ऐसे में इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। जैसा मैंने बताया कि रावण को काफ़ी नॉलेज थी, रावण की नॉलेज सिर्फ एक या दो फील्ड में नहीं थी, वो वॉर से लेकर पोइट्री में और आयुर्वेदा से लेकर म्यूजिक में माहिर थे, यानी अ वेरी वास्ट बास्केट। ठीक उसी तरह हमें भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमें अपने रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से प्रॉपर एसेट एलोकेशन करने का मौका मिलता है। एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि जैसा हमें पता है कि रावण ने सीता जी का अपहरण तो किया था, पर हमें ये भी पता है कि ही डिडंट इवन टच हर, वो अपने मॉरल्स और एथिक्स पर डटे रहे। ऐसे ही हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट्स करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए और अगर आपके SIPs चल रहे हैं तो उन्हें चलते रहने दीजिए। मार्केट्स में उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन उससे एक्साइटेड होकर या पैनिक होकर अपने SIPs मत रोकिएगा। इनफैक्ट ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं मोस्ट इन्वेस्टर्स। पोर्टफोलियो के अच्छे रिटर्न्स देने के और एवरेज रिटर्न देने के बीच ये प्रॉबेबली सबसे बड़ा कारण है। जो इन्वेस्टर्स अपने SIPs मार्केट क्रैशेस के वक्त पैनिक में आकर रोक देते हैं उनके रिटर्न्स काफ़ी लो रहते हैं। ये तो थी रावण की कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें। अब बात करते हैं उनकी कुछ बुरी बातों के बारे में। रावण की एक सबसे बड़ी गलती थी लस्ट या ग्रीड। इस गलती के कारण अच्छे अच्छे विद्वान डूब गए। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कई बार एवरेज या स्लाइटली अबव एवरेज रिटर्न्स आर मोर देन इनफ। हर बार हमें मार्केट को आउट परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर सिर्फ हायर रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी बढ़ जाएगा और फिर पूरी लंका एक ही बार में जल सकती है। रावण में वैसे तो बहुत सी अच्छाइयाँ और खूबियाँ थीं, पर जैसा हमने रामायण से देखा है उनकी एक गलती उनको बहुत भारी पड़ी।
सिमिलरली फाइनेंशियल लाइफ भी ऐसी ही होती है, एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसलिए हमेशा अपने सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए हमें। और ऐसा नहीं है कि फिर भी गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ तो फिर भी होंगी, लेकिन उनमें से टाइम पर निकल जाना भी उतना ही ज़रूरी है। ईगो में बैठकर कोई फ़ायदा नहीं है। रावण को भी साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया था कि उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया, और उन्हें सलाह भी दी गई थी कि माफ़ी मांगकर सीता जी को वापस कर दें। लेकिन हम जब भी अपने ईगो के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डजंट मैटर वो कितना ही बुरा इन्वेस्टमेंट क्यों ना साबित हो, इस एक एटीट्यूड पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये तो थे कुछ लेसन्स जो कि हमें विजयदशमी और रावण से सीखने को मिलते हैं, जो कि हमें हमारी डेली लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ में भी मदद कर सकती हैं। अगर आप इन पॉइंट्स की मदद लेकर अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की गाइडेंस चाहते हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224। अब आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में और डिजिटल गोल्ड में हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके इस वीडियो को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।